मानपुर से लेकर मंडा मलाड तक के लोग आए और सब लोगों को अपनी एकता दिखाना है इस नारे के साथ। बस्ती एकता जिंदाबाद, बस्ती एकता जिंदाबाद, करेंगे करेंगे, गौर बचाओ गौर बचाओ। साथियों, आज आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। आज हमारे साथ इस आंदोलन में बहुत नई बस्तियां जुड़ी हैं। चिक्कूवाड़ी की बड़ी ताकत आज आई है हमारे बीच में, अली तालाब से आई है ताकत, यारी रोड से, चीता कैंप से, और इन लोगों की ताकत ने असर दिखाया है। जब आज हम गए मुख्यमंत्री से भेंट करने के लिए, तो उस मौके पर हमारी पर्यावरण मंत्री से भी भेंट हुई और चिक्कूवाड़ी का मुद्दा उन्होंने उसको व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं और उसका उसके लिए जल्द ही कोई इसके ऊपर एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री माफ करिए पर्यावरण मंत्री एक जल्दी उसके ऊपर चिक्कूवाड़ी के मुद्दे पर एक जल्द से जल्द लेने वाले हैं। तो आप सबकी ताकत को एक बार और जिंदाबाद। इसी और अपनी इसी संघर्ष के हमने घर बचाओ घर बना आंदोलन ने हमेशा घर के अधिकार के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं का भी मुद्दा साथ साथ लेके चले हैं और इसको हमेशा पुश करते 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 आज जैसे पहले पीएमसी ने जब स्वच्छ भारत अभियान के तहत बोला गया था कि चाहे बस्ती अधिकृत हो या अनधिकृत हो सबको शौचालय देना चाहिए, पर पीएमसी ने जैसे पीएमसी हमेशा अपने गरीबों के साथ करती है अत्याचार है, जैसे अभी पानी को लेकर कर रही है, पानी के ऊपर उन्होंने कट ऑफ डेट लगा दी, किसी को पानी नहीं दे रहे हैं, इसी के लिए उन्होंने शौचालय देने के ऊपर भी उन्होंने काफी सारे शर्तें लगाई थी कि इस अगर बोर्ड की जमीन है तो शौचालय नहीं देंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है तो शौचालय नहीं देंगे, अगर फॉरेस्ट की जमीन है तो शौचालय नहीं देंगे, अगर सीआरजेड की जमीन है तो शौचालय नहीं देंगे, पर अपनी एकता ने अपनी संघर्ष ने आज मुख्यमंत्री ने एक ऑर्डर की घोषणा करी है कि सारी बस्ती चाहे वो फॉरेस्ट की जमीन पर हो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर किसी की भी जमीन पर हो सबको टॉयलेट देना होगा। आज उन्होंने अपने संघर्ष में एक बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके लिए भी कविता जिंदाबाद। तो साथियों, आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये संघर्ष जारी रहेगा, अपनी एकता को जारी रखना पड़ेगा क्योंकि अपने पास बल शस्त्र की किसी की ताकत नहीं और हमें उसकी हमें अपेक्षा भी नहीं है, हमें अपनी ताकत पे निर्भर रहेंगे तो जरूर कामयाब मिलेगी। हम हमेशा बोलते हैं लड़े हैं जीते हैं, तो वो नारा बिल्कुल सच होता है। जब जब हमने संगठित होकर कोई ना कोई संघर्ष करा है तो उसमें उपलब्धि जरूर प्राप्त हुई है, तो मायूस होकर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आज हमें बहुत बड़ी उपलब्धियां मिली है और ये संघर्ष आज थमेगा नहीं, आगे बढ़ता रहेगा, अपने सवाल रुके नहीं है, बहुत सारे अभी आश्वासन मिले हैं, जिन आश्वासनों पे हमें उन आश्वासनों को अमल में लाने के लिए अपने बार बार हमें आना पड़ेगा और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे।